हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ में स्पेशल सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं टिंडोरी। टिंडोरी बहुत ही बनने के बाद में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करना है। इसमें मैंने आधा किलो टिंडोरी ली है, जिसे मैंने इस तरीके से गोल काट ली है। आधा किलो टिंडोरी के हिसाब से मैंने मीडियम साइज के चार प्याज इस आकार में काट लिए हैं, लंबे वाले। दो टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज के। मैंने यहाँ पर कुछ मसालों का यूज़ किया है। उसमें मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने 1/4 गरम मसाला लिया है, एक चम्मच मैंने सूखा धनिया का पाउडर और नमक थोड़ा सा स्वादानुसार, और थोड़ी सी मैंने हींग ली है, दो हरी मिर्च मैंने इसमें काट ली है, थोड़ा सा धनिया। तो चलिए अपन चलते हैं किचन साइड। मैंने सारी सामग्री काट करके तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक पैन का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है। अभी कढ़ाई का जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। हम लोगों ने थोड़ी सी हींग ली थी, मैं उसमें थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी। एक चम्मच या आधा चम्मच हम लोगों ने जीरा लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। जीरा हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। हम लोगों ने जो प्याज कट किए थे वो प्याज मैं इसमें ऐड करूंगी सारे। अभी देखिए प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब लोग हमें इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जो हम लोगों ने दो हरी मिर्च कट करी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम लोगों ने 500 ग्राम जो टिंडोरी काट के तैयार ली थी वो हम लोग टिंडोरीज में ऐड करेंगे। इसमें टमाटर हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि खटाई से सब्जी पकने में थोड़ा समय लगता है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि सब्जी जल्दी से पक जाए। बाकी का नमक का यूज़ हम बाद में करेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। अभी हमें सब्जी को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से पक गई है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा अपनों ने नमक रखा था वो नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी। इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में टमाटर को पकाने के लिए 5 मिनट और पका लेंगे, जिसके साथ में बाकी के मसाले भी इसके साथ में पक जाएंगे। अभी हमारी सब्जी बिल्कुल पक करके तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, जो हम लोगों ने हरा धनिया लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमारी सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है और ये वाकई बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर मेरी कोई भी नई वीडियो रहेगी वो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।